अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोड्यूसर के हवाले से कि आप प्रोड्यूसर किस तरह बन सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी डिग्री जरूरत होती है और कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूसर जो है वो करता है, प्रोड्यूसर का आखिर काम क्या होता है, जो प्रोड्यूसर है वो क्या क्या काम करता है अपनी फील्ड में, और आप फील्ड में किस तरह एंटर हो सकते हैं, मतलब कि अगर आप प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, और आपके अंदर कौन कौन सी खूबियां होंगी तो आप प्रोड्यूसर की फील्ड में कामयाब हो सकते हैं या उसमें बहुत आगे तक जो है वो जा सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ प्रोड्यूसर के हवाले से होने वाली है और ये इसके हवाले से होने वाली है कि क्या होता है, किस तरह ये सारी चीज़ें बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी जल्द आने वाली है जिसमें हम इसकी स्किल्स के ऊपर बात करेंगे। तो आज की वीडियो के ऊपर फोकस करते हुए चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि प्रोड्यूसर क्या होता है। दोस्तों प्रोड्यूसर की बात कीजिए, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि इससे पिछली वीडियो में मैंने डायरेक्टर के हवाले से बताया था कि डायरेक्टर क्या होता है मुकम्मल तौर पर। दोस्तों प्रोड्यूसर का सिर्फ ये काम होता है कि उसने फिल्म को जो है वो अपने मतलब के जज्बे से, पैसे से, और अपने जहनी मतलब कि उसके जो जहन होता है उसके नकार से जो है वो एक बहुत कमाल की चीज़ जो कि फिल्म हो सकती है, जो कि ड्रामा हो सकता है, कोई सीरियल हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, कोई ऐड की कंपेन हो सकती है, इन चीज़ों को जो है वो अपने बलबूते पर जो है वो करता है। सबसे पहला काम इसका जो होता है वो होता है पैसों का इंतज़ाम और बुनियादी ज़रूरतों का इंतज़ाम। जो चीज़ें फिल्म या टीवी में जो है वो ज़रूरत आ सकती हैं, उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, उन चीज़ों का जो इंतज़ाम है वो सारा प्रोड्यूसर करता है। सबसे बड़ा काम जो प्रोड्यूसर का होता है वो होता है डायरेक्टर को हायर करना। पिछली वीडियो मैंने डायरेक्टर के हवाले से बताया, जिसमें मैंने मुकम्मल डिटेल से बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लें, इंशाल्लाह आपको आई बटन में ऊपर या फिर एंड स्क्रीन में कहीं भी मिल जाएगी, आप चैनल पर भी जाके देख सकते हैं, इससे प्रीवियस वीडियो आपको मिल जाएगी डायरेक्टर के हवाले से। सबसे पहला काम जो उसका बहुत अहम काम होता है वह डायरेक्टर को हायर करना। दोस्तों इसके बाद ऐसी ऐसी स्किल्स होती हैं जिनकी वजह से ये डायरेक्टर को जो है वो पहचानने के बाद उसको मतलब कि अपनी फिल्म के लिए या अपने ड्रामे के लिए कास्ट करता है और कहता है कि भाई आप हमारे साथ काम करें, हम आपको इतने पैसे देंगे। और दोस्तों ये प्रोड्यूसर का काम दो चीज़ें लाना होता है, एक डायरेक्टर लाना, एक स्क्रिप्ट लाना। स्क्रिप्ट किस चीज़ को कहते हैं, कहानी को, जो कहानी बुनियादी तौर पर जो टीवी ड्रामे में या फिर किसी फिल्म के मतलब के मुकम्मल कहानी जो कि बयान की जाएगी उस चीज़ को लाना जो है वो किसका काम होता है, प्रोड्यूसर। और डायरेक्टर का काम होता है उस चीज सारी को संभालने के बाद उस मुकम्मल चीज को तैयार करना। दोस्तों प्रोड्यूसर का जो काम होता है वो मतलब कि स्क्रिप्ट लाना, जैसे आपको मैंने बताया, दूसरा जो है वो डायरेक्टर लाना। दोस्तों डायरेक्टर लाने के बाद वो स्क्रिप्ट भी उसका भी इंतजाम करता है, वो किसी से भी कहानी लिखवाता है, उसको मुकम्मल तौर पर जो है पैसे देता है, और सारा काम जो सारा पैसा जो इन्वेस्ट करता है वो सारा प्रोड्यूसर करता है। अगर उसके साथ और भी स्पॉन्सर जो होते हैं वो उनके साथ बातचीत करने के बाद जो वो सारा पैसा वही मतलब इन्वेस्ट करता है किसी भी चीज़ के ऊपर, और सबसे ज़्यादा मुनाफा भी जो है वही कमाता है जिस चीज़ के ऊपर भी जो है वो खर्च करता है, चाहे वो मतलब के कहानी में करे, किसी डॉक्यूमेंट्री में करे, फिल्म में करे, ड्रामे में करे, जहाँ भी करेगा सबसे ज़्यादा जो है उसी को मुनाफा होगा। और सबसे बड़ी बात जो है वो किसी से जब कहानी लिखवाएगा तो उसको भी जो है वो खुद से पैसे देगा। और सबसे बड़ा काम जो इसका होता है वो कहानी लिखवाना ही होता है, क्योंकि कहानी लिखवाना सिर्फ प्रोड्यूसर का काम होता है, पैसे वगैरह का इंतजाम डायरेक्टर भी कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन कहानी का काम जो है वो सिर्फ प्रोड्यूसर का होता है कि उसको लाजमी तौर पर लेके आनी होती है और अपने डायरेक्टर को देनी होती है, ताकि उसके ऊपर जो है वो लाइमल करवाने के बाद इसको जो है करवाया जा सके। अगर दोस्तों अगर आपने प्रोड्यूसर की फील्ड में जाना है तो आपको मैं अगर जाने के लिए बताऊंगा इसके कितने रास्ते हैं और क्या क्या रास्ते हैं, तो आपको मैं सिर्फ इसका आंसर ये दूंगा एक लाइन में कि इसका आगे जाने का मतलब कि इस फील्ड में जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। आपको मैंने इसलिए डायरेक्ट बता दिया इसका कोई रास्ता नहीं, क्योंकि आप अगर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये डिग्री कर लूँ, ये कर लूँ, दोस्तों जितनी मर्जी डिग्रीज कर लें, जितनी मर्जी आपके पास तालीम हो, इसमें डायरेक्ट जाने का कोई ऐसी सीढ़ी नहीं है जिसके ऊपर आप चढ़ते जाएँ। आप कहेंगे या 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, या 2-3 महीनों बाद भी मैं चला जाऊँगा, तो ऐसी बात नहीं है। आपके पास इज्जत, शोहरत और तजर्बा तीन चीज़ें लाजमी तौर पर होनी चाहिए। तजर्बा कम भी हो तो भी काम करेगा, लेकिन आपको तजर्बे की भी इसमें ज़रूरत होती है, और इज्जत और शोहरत मस्ट है इस चीज़ में जाने के लिए, क्योंकि जब तक आपके पास इज्जत, जब तक आपके पास जो शोहरत नहीं होगी, तब तक आपके साथ बड़ी बड़े एक्टर्स, बड़े कैमरामैन, साउंड इंजीनियर, ड्रेस डिज़ाइनर, सेट डिज़ाइनर, जितने लोग होते हैं वो सारे आपके साथ काम करने के लिए उस वक्त अच्छी तरह से तैयार नहीं होंगे जब तक आप उनको मतलब कि आपको वो अच्छे तरीके से जानते नहीं होंगे कि भाई ये कौन बंदा है, क्या काम करता है, इसका बड़े बड़े क्या काम इसने अभी तक किए हैं, तो आपको मतलब कि शुरू से काम स्टार्ट करना पड़ेगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको डिग्रीज़ कौन कौन सी लेनी चाहिए। डिग्रीज़ आप प्रोडक्शन में ले लें, फिल्म में ले लें, टीवी में ले लें, किसी चीज़ में भी ले लें। आप मुख्तलिफ जिस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं उस कंट्री के बारे में सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन कौन सा इदारा मतलब कि इस चीज़ को करवा रहे हैं, इसकी मतलब प्रोडक्शन की डिग्री मतलब कि कितने अरसे की और कहाँ कहाँ पर करवाई जा रही है। अगर आपको नहीं समझ लग रही तो कमेंट कर देना, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बता दूंगा, तो आपको इस चीज़ में डिग्री जो है आगे तक लेके जा सकते हैं। दोस्तों प्रोड्यूसर के हवाले से बात कीजिए तो इसका एक और बेहतरीन काम ये भी होता है, वो वक्त का तायुन करता है कि और बजट का तायुन करता है साथ साथ।
वक्त का तय वैसे करता है कि ये चीज़ जो वो कितने वक्त में बनेगी, कितने माल लग सकते हैं, कितना अरसा इस पर लग सकता है। उसके बाद बजट के हवाले से ये बात करता है कि इस पर कितना बजट में खर्च करूँ तो ये अच्छे तरीके से जो इस चीज़ को डिज़ाइन किया जा सकता है। दोस्तों आज की वीडियो हमारी जो थी बजट मतलब के प्रोड्यूसर के हवाले से थी। इसमें अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हो स्क्रिप्ट लाने वाला काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप बतौर मामन काम कर सकते हैं। अगर आप इसमें स्टार्ट करना चाहते हैं प्रोड्यूसर के हवाले से तो आप इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारी प्रोड्यूसर के हवाले से वीडियो, अगर आपको पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो कुछ चीज़ आपने अगर पूछनी है जो रहेगी इस वीडियो में वो कमेंट करें, इंशाल्लाह उसका जरूर आंसर मिल जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।